हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बच्चों आज आपके लिए लेके आए हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, इसको शॉर्ट में बोलते हैं ARSE। तो यहाँ पर कुछ फीचर्स हैं, पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए वन बाय वन करके जानते हैं। sp2 हाइब्रिडाइज बेंजीन रिंग इज अ प्लेनर और फ्लैट स्ट्रक्चर विद कॉन्जुगेटेड पाई सिस्टम। ध्यान रखिए कि जो हमारी बेंजीन होती है, बेंजीन में सारे के सारे कार्बन जो होते हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं, और sp2 हाइब्रिडाइज होने की वजह से बेंजीन जो है वो फ्लैट स्ट्रक्चर होगा, चपटा होगा, जैसे कि A4 साइज शीट होती है, ऐसे रहता है हमारा बेंजीन स्ट्रक्चर। और उस बेंजीन के अंदर 3 कॉन्जुगेशन में पाई बॉन्ड रहते हैं, ये आप जानते हैं। नेक्स्ट फीचर है कॉन्जुगेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन लीड इनटू रेजोनेंस। आप जानते हैं कि जब डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में होते हैं या अल्टरनेट होते हैं तो वो कॉन्जुगेशन शो करते हैं, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। तो बेंजीन के अंदर 3 पाई बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं आपको, और तीनों जो है कॉन्जुगेशन में है तो वो रेजोनेंस शो करेंगे, यानी कि बेंजीन में रेजोनेंस होता है। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, ड्यू टू रेजोनेंस बेंजीन एक्ट्स एज सैचुरेटेड इलेक्ट्रॉन रिच साइट ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड अबव एंड बिलो द प्लेन ऑफ रिंग। बच्चों होता है क्या कि बेंजीन के अंदर कॉन्जुगेशन होता है पाई बॉन्ड का, और कॉन्जुगेशन होने की वजह से ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये लगातार घूमते रहते हैं, और जब ये लगातार घूमते रहते हैं तो आप जानते हैं कि रेजोनेंस की वजह से बेंजीन के अंदर जो डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है ये पार्शियल होता है, और पार्शियल होने की वजह से बेंजीन जो है वो क्वाइट स्टेबल होता है, और स्टेबल होता है तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये प्लेन के ऊपर और प्लेन के नीचे रहते हैं, यानी कि बेंजीन के ऊपर भी रहेंगे। जैसे कि आपने अगर बर्गर खाया हो तो बर्गर में आप देखते हैं कि 2 ब्रेड लगी होती है, एक ब्रेड ऊपर गोल गोल होती है, एक ब्रेड नीचे होती है, और बीच में जो है एक आलू की टिक्की होती है। जो आलू की टिक्की है इट इज सिमिलर टू बेंजीन रिंग, और जो ऊपर और नीचे ब्रेड लगी इट इज सिमिलर टू पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, और वो पाई इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है। तो आपको क्लियर हो गया कि आलू टिक्की के ऊपर ब्रेड लगा है, नीचे ब्रेड लगा है, बिल्कुल वैसा ही होता है बेंजीन के अंदर भी। बेंजीन के अंदर ही जो आप देख रहे हैं कॉन्जुगेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, 3 पाई बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, ये कॉन्जुगेशन की वजह से रेजोनेंस की वजह से घूमते रहते हैं, और बेंजीन के ऊपर भी और नीचे भी पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहता है जो इजीली अवेलेबल रहता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के लिए। और बेंजीन में चूंकि ऊपर भी और नीचे भी लगातार पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो बेंजीन जो है वो सैचुरेट इलेक्ट्रॉन रिच साइट की तरह बिहेव करता है, जहां पे इलेक्ट्रोफाइल की तलाश पूरी होती है। सो बेंजीन अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रादर देन एडिशन रिएक्शन। बच्चों बहुत ही रेयरली स्पेशल कंडीशन में ही ये एडिशन रिएक्शन जाता है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, एज सैचुरेट कैरेक्टर शो कर रहा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही बेंजीन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, एडिशन रिएक्शन बहुत कम देता है ये। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन एरोमेटिक्स द मोर कॉमन डिपार्टिंग लिविंग ग्रुप इज H एटम इन फॉर्म ऑफ HIN। बच्चों आप जानते हैं और आप देखोगे कि यहाँ पर बेंजीन से एक H जो है वो H+ फॉर्म में बाहर होगा और वहां पे नया इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा। तो आपको ध्यान रखना कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में मोर कॉमनली निकलने वाला बाहर जो लिविंग ग्रुप या एटम होता है वो हाइड्रोजन होता है H+ फॉर्म में, तो यहाँ पे H+ मोर कॉमन लिविंग ग्रुप होता है। अब लेते हैं कुछ कॉमन एग्जाम्पल, तो ये है फिडल क्राफ्ट, एल्काइलेशन और एसाइलेशन ऑफ बेंजीन, हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। बच्चों ये कॉमन एग्जांपल है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन एरोमेटिक्स के। अब लेते हैं एरिनियम आयन मैकेनिज्म एंड एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन एरोमेटिक्स। ARSE टेक्स प्लेस मेनली इन टू 2 स्टेप्स, फॉर्मेशन ऑफ बेंजीनोनियम आयन और सिग्मा कॉम्प्लेक्स और वीलैंड इंटरमीडिएट और एरिनियम आयन। बच्चों जो स्टेप 1 होता है एरिनियम आयन मैकेनिज्म या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन एरोमेटिक्स में, उसमें पहले बनता है आयन, एरिनियम आयन या वीलैंड इंटरमीडिएट या बेंजीनोनियम आयन या फिर सिग्मा कॉम्प्लेक्स। नंबर 2 स्टेप पॉइंट रहेगा बच्चों, ये जो स्टेप होता है पहला स्टेप ये स्लो होता है और रिडिटरमाइनिंग स्टेप होता है, याद रखिएगा। नीड्स हाई एक्टिवेशन एनर्जी, आप जानते हैं कि किसी भी रिएक्शन को पूरा करने के लिए जो उसके 2 क्राइटेरिया होते हैं, एक होता है उसका एनर्जी बैरियर और दूसरा होता है थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो यहाँ पे जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है स्टेप 1 में जहाँ पे एरिनियम आयन बनने वाला है वो बहुत ज्यादा होती है।
तो आइए एग्जांपल के साथ क्लियर करते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बेंजीन है, ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, आपने डिस्कस किया था बेंजीन जो sp2 हाइब्रिडाइजेस के अंदर ऊपर प्लेन के ऊपर बेंजीन के ऊपर और बेंजीन के नीचे पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड घूमता रहता है। इलेक्ट्रोफाइल जो है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तो उसको इलेक्ट्रॉन की तलाश होगी, बेंजीन जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच साइट है तो बेंजीन इसको अपने इलेक्ट्रॉन देता है। अब यहाँ पे जब ये इलेक्ट्रॉन देगा इसको तो देखिए कैसे क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पे आप दिखाया हुआ है कि ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है इधर शिफ्ट होते हैं इस इलेक्ट्रोफाइल की तरफ, तो जब इसकी तरफ जाएंगे तो बॉन्डिंग कुछ ऐसे दिखाई पड़ेगी। अब आप देख पा रहे हैं कि यहां से ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल के साथ बॉन्ड बनाने में ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन यूज हो गए हैं, तो यहां पे इलेक्ट्रोफाइल कंबाइन हो गया, लेकिन इस कार्बन की जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी या इसका जो ऑक्टेट है वो इनकंप्लीट हो गया, डेफिशिएंसी बढ़ गई है, पॉजिटिव चार्ज एक्वायर किया है। ये जो आप देख रहे हैं दिस इज नोन एज एरिनियम आयन, लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं कि डबल सिंगल डबल और यहां पे कॉन्जुगेशन की वजह से यहां पे रेजोनेंस होता है लेकिन पूरे स्ट्रक्चर में नहीं होता है। आप देखिए कि ये वाला जो आप कार्बन देख रहे हैं, ये वाला कार्बन जो है sp3 हाइब्रिडाइज है, ये वाला कार्बन भी sp3 है, तो यहाँ पे जितने भी कैनोनिकल बने हैं इनमें ये वाला कार्बन जो है sp3 हाइब्रिडाइज और बाकी कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज है, जिसकी वजह से यहाँ पे कॉन्जुगेशन होता रहता है लेकिन यहाँ पर कॉन्जुगेशन नहीं हो पाता है। तो होता क्या है कि जो ये आप एरिनियम आयन देख रहे हैं इसमें इस कार्बन को छोड़ के बेंजीन के 5 कार्बन पर कॉन्जुगेशन की वजह से चार्ज डिस्पर्सल होता है लेकिन इस कार्बन पे नहीं हो पाता है, क्योंकि ये कार्बन प्लेन से बाहर हो जाता है, ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है। एरिनियम आयन जो होता है इसमें एरोमेटिसिटी नहीं होती है बच्चों, ये जो स्ट्रक्चर है नॉन एरोमेटिक स्ट्रक्चर होता है और ये लेस स्टेबल होता है देन डेट ऑफ एरोमेटिक। बेंजीन हमारा एरोमेटिक था लेकिन ये नॉन एरोमेटिक है, तो जो ये नॉन एरोमेटिक है अनस्टेबल है लेस स्टेबल है, तो इसमें बनाने के लिए ये रिएक्शन इसको फेवर नहीं करती है। अब जब कोई भी प्रोसेस या कोई भी रिएक्शन जहां पे कंडीशन फेवर नहीं होती है, बनने वाला जो हमारा इंटरमीडिएट या प्रोडक्ट है वो लेस स्टेबल होता है, तो वहां पर एक्टिवेशन एनर्जी हमेशा हाई हो जाती है। तो क्या आपको क्लियर हुआ कि इस स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी हाई क्यों होती है? स्टेप टू में जो पहला पॉइंट रहेगा बच्चों वो रहेगा रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप। यहां पे पहले लिविंग ग्रुप बाहर आएगा, ये स्टेप जो होता है फास्ट स्टेप होता है, एरोमेटिक कैरेक्टर इज रिस्टोर्ड और जो एरिनियम आयन बना था उसमें जो नॉन एरोमेटिक कैरेक्टर डेवलप हुआ था वो वापस एरोमेटिक कैरेक्टर में बदल जाता है। एग्जाम्पल के साथ क्लियर करते हैं, ये हमारा एरिनियम आयन है, आप देख पा रहे हैं कि ये हमारा एरिनियम आयन है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये जो है नॉन एरोमेटिक है, यहाँ पे इसको स्टेबल बनाने के लिए वापस एरोमेटिक कैरेक्टर चाहिए, तो एरोमेटिक कैरेक्टर के लिए यहाँ से ये वाला स्टेप कुछ ऐसे होता है, ये वाले कार्बन एच के जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है ये बेंजीन के अंदर शिफ्ट हो जाते हैं और यहाँ पे पाई बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप करते हैं और ये हमारा एच जो है एटम ये एच प्लस होम में बाहर आ जाता है और ये देखिए ये बन गया हमारा प्रोडक्ट। क्या आपको क्लियर है? सो दिस इज द एरिनियम आयन मैकेनिज्म, दो स्टेप में होता है, पहले स्टेप में एरिनियम आयन बनता है जो नॉन एरोमेटिक होता है, दूसरा स्टेप जो होता है बच्चों उसमें एरोमेटिक कैरेक्टर जो है वो रीस्टोर किया जाता है, वापस लाया जाता है और इसलिए ये फेवरेबल होता है, रिएक्शन फास्ट होती है। क्या आपको क्लियर है? अब लेते हैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन एरोमेटिक। जो हमने दो स्टेप डिस्कस किए, पहले स्टेप में एरिनियम आयन बना और दूसरे स्टेप में हमारा फिर से प्रोडक्ट बन गया और लिविंग ग्रुप बाहर हुआ था, उन दोनों स्टेप को स्लो स्टेप को और फास्ट स्टेप को अगर आपको एनर्जी बैरियर पे दिखाना हो तो कैसे शो करेंगे? स्टेप वन इज हाईली एंडोथर्मिक बिकॉज इन दिस स्टेप हाईली अनफेवरेबल एरिनियम आयन ऑब्टेन्ड सो इट्स एक्टिवेशन एनर्जी इज हाई। अभी डिस्कस किया था आपको कि स्टेप वन जो होता है वो एंडोथर्मिक होता है, उसमें काफी एनर्जी की जरूरत पड़ती है, प्रोसेस जब काफी टाइम तक आपको ज्यादा एनर्जी चाहिए तो प्रोसेस आपका स्लो हो जाएगा। स्लो इसलिए हो रहा है क्योंकि उसकी एक्टिवेशन एनर्जी काफी हाई है, एक्टिवेशन एनर्जी इसलिए हाई क्योंकि उसमें बनने वाला जो एरिनियम आयन है वो अनफेवरेबल स्टेप है, वो लेस स्टेबल है, तो उसको ये कंडीशन फेवर नहीं करेंगी। स्टेप टू इज लेस एंडोथर्मिक इन नेचर बिकॉज फेवरेबल एरोमेटिक कैरेक्टर इज रिस्टोर्ड। आपने देखा था कि स्टेप टू जो होता है काफी फास्ट होता है क्योंकि वहां पे फेवरेबल स्टेप होता है, फेवरेबल कंडीशंस होती है क्योंकि बनने वाला प्रोडक्ट जो है वो एरोमेटिक इन नेचर होता है, तो ये बहुत जल्दी होता है, फास्टली होता है।
आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमने एक ग्राफ लिया हुआ है इस एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम को शो करने के लिए। एक तरफ हमने एनर्जी लिया हुआ है, दूसरी तरफ हमने रिएक्शन कोऑर्डिनेट लिया हुआ है। अब देखिए ये हमारा स्टार्टिंग मेटेरियल यानी कि बेंजीन सबस्ट्रेट है। अब हमने क्या किया, इस पे रिएक्शन करानी है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो आप जानते हैं पहले बनेगा एरिनियम आयन। तो एरिनियम आयन बनाने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, क्योंकि ये जो बनने वाला एरिनियम आयन है टी ट्रांजिशन स्टेट वन में, TS1 में, ये लेस स्टेबल होता है, इसके अंदर एरोमेटिक कैरेक्टर नहीं होता है, अनफेवरेबल है। तो अनफेवरेबल प्रोसेस को करने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तब हमारा बेंजीन कन्वर्ट होगा एरिनियम आयन में। तो ये हो गया हमारा ट्रांजिशन स्टेट। आप देख पा रहे हैं कि जो यहाँ पे एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो काफी हाई है, डेट्स वाई दिस प्रोसेस इज स्लो और रेट डिटरमाइनिंग स्टेट। कन्वर्ट हो रहा है ट्रांजिशन स्टेट टू में, उसके एनर्जी में कमी आ रही है। तो ट्रांजिशन स्टेट टू जो है बच्चों, उसमें जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो TS1 की कंपेरिजन में काफी कम हो जाती है, क्योंकि यहां पर बनने वाला जो ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है कि जो हमारा नॉन एरोमेटिक है वो कन्वर्ट होने लगता है एरोमेटिसिटी में। क्लियर है, एरोमेटिक कैरेक्टर रिस्टोर होने लगता है, इसलिए ये कंडीशन फेवरेबल होती है और फास्टली होती है। अब आप देखिए स्टेप वन में जो एनर्जी चेंज, इस प्रोसेस में जो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज है, फ्री एनर्जी चेंज वो ΔG1 है, और जो आप देख पा रहे हैं स्टेप टू के लिए ΔG2 है, और उसके बाद एनर्जी रेगुलरली डिक्रीज हो रही है, और जैसे जैसे लिविंग ग्रुप बाहर निकलता जाएगा, बॉन्ड वीक होता जाएगा, completely convert हो जाए प्रोडक्ट में, और हमारा इलेक्ट्रोफाइल या लिविंग ग्रुप जो है वो H+ में बाहर आ जाएगा। तो बच्चों ये हमारा जो है एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है, TS1, TS2, TS1 जो होता है वो स्लो होता है, इसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड ज्यादा होती है, प्रोसेस अनफेवरेबल होता है, TS2 जो है ये फास्टली होता है, क्योंकि इसके अंदर ये एरोमेटिक कैरेक्टर रिस्टोर होता है। क्या आपको क्लियर है?